गया के मशहूर फुटबॉलर मोहम्मद सिद्दीक पिछले 2 सप्ताह से लापता हैं, जिनकी अब तक कोई खबर नहीं है। मालूम हो कि फुटबॉलर मोहम्मद सिद्दीक राष्ट्रीय स्तर पर बिहार फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। इनकी गुमशुदगी के बारे में इनकी पत्नी फरजाना खातून ने बताया कि वो 22 जुलाई की सुबह 10 बजे बोधगया कालचक्र मैदान के पीछे महारानी रोड के समीप अपने घर से किसी काम के लिए निकले थे, तभी से वो घर वापस नहीं आए। उन्होंने यह भी बताया कि वो फुटबॉल के नामी खिलाड़ी हैं और अब भी जहां कहीं फुटबॉल का मैच होता है उसे वो देखने या खेलने ज़रूर पहुँच जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वो बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट में नौकरी करते थे और अब 2018 से सर्विस से रिटायर हो चुके हैं। इनके बेटे शहबाज आलम ने बताया कि इनकी गुमशुदगी की सूचना बोधगया थाना और सिविल लाइंस थाना गया को भी दी जा चुकी है। बहरहाल परिवार के लोग भी लगातार इनकी तलाश में लगे हुए हैं और गया के कई फुटबॉलर ने भी प्रशासन से इनकी तलाश में पूरा सहयोग करने की मांग की है। इमरान अली, बिहार आजकल।